पूरे देश के लिए गहरे दुख और सदमे की बात है कि आज भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हम सब के बीच में नहीं रहे। आज उनका नश्वर देह भी हम लोगों के बीच से चला जाएगा। कई दशकों तक भारतीय राजनीति की क्षितिज में प्रणव की तरह ही कांतिवान रहकर प्रणवदा काम करते रहे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। एज अ पार्लियामेंटेरियन उनके भाषणों ने हमेशा देश को एक अच्छी बहस दी, एक नई दिशा दी, एक नया निर्धार भी दिया। विपक्ष में हो या पक्ष में, नीतियों के निर्धारण की कटु आलोचना करनी हो या स्वयं नीति निर्धारण करना हो, हर बात में प्रणवदा का कौशल्य दिखाई पड़ता था। इतने लंबे सुदीर्घ करियर के अंदर वित्त, विदेश, रक्षा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रालयों पर प्रणवदा की अमीर छाप हम देख सकते हैं और एक भी क्षति करे बगैर सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा कंट्रीब्यूशन करना शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रणवदा की। सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी। जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा वो काम करते रहे। जब विपक्ष में रहें तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस को अपने सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणवदा ने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को कंट्रीब्यूट किया, समृद्ध किया, एक अच्छा दिशा दर्शन किया। ये राजनीति में आने वाले हर युवा के लिए प्रेरणादायी रहेगा।